हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है क्लास नाइन्थ का मैथ सब्जेक्ट का मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का टेस्ट। इस टेस्ट में आपका स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही मैथ्स यहाँ पे इसी पेपर के अंदर हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो समय है वो एक घंटा है और पूर्णांक जो है वो है 20। तो इसमें मैं क्रमशः आपको सारे प्रश्न हल करवाऊंगी और उनका हल अच्छी तरीके से समझाऊंगी भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें, और साथ में इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके टच करके डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। पहला प्रश्न है वो है सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर V, y प्लस 2/y। उसके बाद फिर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो है 32 के ऊपर 1/5 का मान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 2। उसके बाद हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो सही विकल्प थे वो आपके कितने नंबर के थे, वो थे 2 नंबर के, और जो रिक्त स्थान है वो भी आपके 2 नंबर के हैं। तो पहला खाली स्थान है बहुपद px = 4x - 3 का शून्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। उसके बाद सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। यहाँ पे वास्तविक हो जाएगा दूसरे खाली स्थान में, ठीक है ना। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 3 है 2x का 3 से व्यकलन, तो ये हो जाएगा 2x - 3। व्यकलन यानी होता है घटाना, फिर 2√3 - √3, तो क्या हो जाजाएगा अकेला इसमें 2√3 में से 1√3 चला जाएगा, तो 1√3 बचेगा, तो डी नंबर का, ठीक है। ये भी 2 नंबर का था। अब हम आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना, 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या लिखना है, 11/10, 12/10 और 13/10, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा वाला है y = -2 के लिए बहुपद y² + 3y + 2। तो देखिए वाई स्क्वायर में यहाँ पे ऋण मान रखेंगे, तो -2 के ऊपर 2^3, और यहाँ y की जगह पे क्या रख देंगे, 2 तो ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 क्योंकि ऋण का ऋण में गुणा होगा, फिर धन यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो ये ऋण का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे धन का 2 पहले से था, तो 4 और 2 = 6, तो 6 × 6 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर सत्य असत्य हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो आपका 2 अंकी प्रश्न है। पहला जो है √3 को 2√3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है, ये जो है वो सत्य है। अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अनवसानी तथा आवर्ती होता है, तो ये असत्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 2 अंक का है, 2x - y + z² का प्रसार कीजिए। देखिए ये है इसका हल। यहाँ पे आपको a·b·c पूरे का स्क्वायर के सूत्र से निकाल देना है। x² + y² + z² (2xy, 2yz, 2zx) उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला जो था वो abc की जगह ने xyz का सूत्र ले लिया। अब यहाँ पे उसका मान के हिसाब से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x - y + z, तो x की जगह पे क्या है 2x, y की जगह पे क्या है ऋण का y, मतलब यहाँ ऋण 1 का गुणा कहलाया, और z की जगह पे क्या है z है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जैसे x² तो -2x² क्यों, क्योंकि x = 2x, क्योंकि x की जगह पे 2x रखा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पूरे मान रख दिए जाएंगे, और आखिरी में इन सब का गुणा करके जैसे कि 2 × 2 = 4 इस वाले कोष्टक को खोलेंगे, 4x² इसको खोलेंगे, तो ऋण और ऋण धन का हो जाएगा, तो धन का y² फिर ये z² रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी इन पदों को हल कर लेंगे, और आखिरी में इतना यहाँ पर उत्तर आ जाएगा।
फिर अथवा में बहुपद वाई स्क्वायर ऋण वाई ऋण छः के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शून्य किस प्रकार दिया जाता है कि यहाँ पे ऋण छः को इस तरफ लिख देंगे और बराबर शून्य कर देंगे। अब यहाँ पे गुणनखंड बनाने पे यहाँ पे ना x नहीं होगा, यहाँ y होगा, दोनों जगह 3y में से 2y को घटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3y में से 2y घटेगा धन का y, ठीक है। तो धन के y को 3y ऋण 2y के रूप में लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे 1y को कॉमन लिया तो यहाँ y धन 3 हो जाएगा। फिर ऋण 2 को कॉमन लिया तो यहाँ भी y धन और ऋण 2 क्योंकि बाहर आ गया तो यहाँ धन का 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 की जगह पे क्योंकि 2 तो बाहर चला गया यहाँ ये, ठीक है। यहाँ पे y है, जहाँ जहाँ x दिख रहा वहाँ वहाँ y कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, y ऋण 2 और y धन 3 बराबर शून्य, तो ये हो गए इसके शून्यक। प्रश्न क्रमांक 7 में है, 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 4 × 16 के रूप में इसको लिख लेना है। तो 4 की घात 2 की घात 3/4, अब यहाँ 2 से 4 कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। अब इसको फिर से 2 × 4 के रूप में 2 की घात 2 लिख लेंगे, फिर 2 से 2 घात कट जाएगी तो 2 की घात कितना आ जाएगा यहाँ 3, तो 2 × 2 × 2 मतलब कि 8। तो उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। हमें देख लेंगे 7 की ऊपर 1/5 की घात बटे 7 की ऊपर 1/3 की घात को सरल कीजिए। तो ये देखिए इसको इस तरीके से लिखने के बाद क्योंकि ये घात जो है वो ऊपर आएगी यदि तो ये ऋण में हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हम 1/5 में से 1/3 को घटा देंगे, ठीक है। जब घातों को घटाएंगे यहाँ लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे इतना मान आ जाएगा, तो ये 7 के ऊपर रहेगा। उसके बाद फिर जब लघुत्तम लेंगे तो 15 लघुत्तम आएगा, 3 ऋण 5 हो जाएगा, तो ऋण 2 की घात 15, 7 के ऊपर ऋण 2 की घात 15, ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न, यदि x ऋण 1 और 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 4x धन k का 1 गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 3 अंक का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो यदि यह एक गुणनखंड है तो इसलिए f1 = 0, क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या मान रखेंगे, x का मान 1 रखें, क्यों, क्योंकि x ऋण 1 = 0 तो x = 1। अब यहाँ x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे बहुपद दिया गया है उसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हल कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4 धन 3 ऋण 4 धन k = 0, तो k = ऋण 3। फिर उसका जो अथवा है वो है घनाभ, जिसका आयतन 3x/2 / 12x है, इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो देखिए घनाभ का आयतन यहाँ पे दिया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हमारे पास है 3x² ऋण 12x, 3x यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो 3x यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचेगा, x ऋण 4। घनाभ के जो संभावित आयाम है वो है 3, और यहाँ पे देखिए 3x और यहाँ x हो जाएगा, 3x और x ऋण 4। 9वां प्रश्न, ये भी 3 अंक का है, 5/√5 ऋण √3 को सरल कीजिए। ये लिखेंगे 5√3 ऋण √5, ठीक है, 5/√3 ऋण √5, तो इसमें यहाँ पे परिमेयकरण कर दिया जाएगा। परिमेयकरण जब किया जाता तो क्या होता है, नीचे जो संख्या दी हुई है उसका चिन्ह विपरीत कर दिया जाता है, मतलब √3 धन √5 का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया जाएगा। जब गुणा होगा तो 5 में गुणा होगा ऊपर वाले पक्ष का और नीचे ये a ऋण b और a धन b के रूप में है, a ऋण b और a धन b के रूप में। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, बराबर क्या होता है, a² ऋण b² तो इसी रूप में इसको यहाँ लिख दिया गया। अब उसके बाद इनका गुणा होगा तो रूट से वर्ग कट जाएगा, यहाँ भी रूट से वर्ग, तो 3 ऋण 5 आ गया, 5 का गुणा ऊपर √5 और धन √3 में हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा रहेगा, नीचे घटा के ऋण 2 लिख देंगे। अब ऋण 2 को यहाँ ले आएंगे तो ऋण 5/2 और कोष्टक में √5 धन √3। खाइए कि 0.7777 = 0.7 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q = 0।
यहाँ पे एक्स बराबर 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 10x = 7.7, तो x बराबर 0.7 के ऊपर बार है, टाया जाएगा तो 9x = क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x = 7/9 और p/q के रूप में, जहाँ p = 7 और q = 9। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10x का जो मान है उसमें से यहाँ x के मान को घटा देना, तो ये वाला मान मिलेगा, उसके बाद फिर इन दो पदों को हल करना है। तो ये था आपका मैथ्स का पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।